योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति विलियम रूटो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति रूटो और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी ये यात्रा हो रही है। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। पिछले लगभग एक दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु हमारे संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मुंबई और मुंबासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। इस मजबूत नींव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध किया। भारत और केन्या ऐसे देश हैं जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी। फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान भी की। भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने 250 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है। केन्या द्वारा लिया गया अफ्रीका क्लाइमेट समिट का इनिशिएटिव एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यह राष्ट्रपति रूटो की भी सभी वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि केन्या के ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही केन्या द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज
कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को केन्या के साथ साझा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रता का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने नई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। केन्या और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और केन्या एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, केन्या को अपना दूसरा घर मानने वाले लगभग 80,000 भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी देखरेख के लिए केन्या से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राष्ट्रपति रूटो का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। केन्या के लॉन्ग डिस्टेंस और मैराथन रनर्स विश्व विख्यात है। उसी तरह क्रिकेट भी दोनों देशों में लोकप्रिय है। दोनों देशों में खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। बॉलीवुड के साथ साथ योग और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी भी केन्या में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज और गहरे करने के प्रयास जारी रखेंगे। एक्सलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।